इस वक्त की बड़ी खबर वारिस पंजाब डे के मुखी अमृतपाल को लेकर है, जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमृतपाल को पंजाब के मोगा जिले से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने को कहा है और ये भी कहा है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद किसी भी फर्जी खबर को साझा ना किया जाए। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल में ले जाया जा रहा है, जहां उसके 8 सहयोगी पहले से ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बंद हैं। लेकिन इससे पहले अमृतपाल ने गुरुद्वारे में लोगों को संबोधित किया, जिसकी एक वीडियो भी सामने आई है। क्या कहा उसने, आप भी सुनिए। सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह दे पावन हजूरी च जुड़ के बैठे हैं। गुरु वालों बख्शी फतेह दी सांझ पाओ, कल जी रखो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज इस पवित्र स्थान ते संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंड नाणे दा जन्म स्थान है, जिस स्थान तो मेरी दस्तारबंदी हुई ते अपा कौम दा कार्ज रंभिया, अज उसे स्थान ते इस कौमी कार्ज नू चलदिया एक जीवन दे बड़े अहम मोड़ ते आपां आण के खड़े हैं। पिछले एक महीने तो जो कुछ वापरिया वो तुसीं सारा कुछ वेख्या, मैं दोहराउणा नहीं, थोड़े समय च संखेप च आपां गल वेख देनी है। एक महीना पहला जो हुकूमत ने जबर सिखां ते ढाया, उस जबर नू जिहड़ा प्रतख इस करके हो गया, जे कल्ली गिरफ्तारी की गल हुंदी तो शायद गिरफ्तारी के बहुत तरीके से जिन्हां दा मैं सहयोग भी करदा, पर जो चेहरा हुकूमत का नंगा होना सी दुनिया भर के सामने होया, जो सिख नौजवानों के जबर ढाया गया। देखो सतगुरु सच्चे पातशाह की कचहरी के असी दोषी नहीं, दुनिया की कचहरी च असी दोषी हो सकते हैं। सो एक महीने तो बाद असी अज फैसला किया कि इस धरती से लड़े हाँ, इस धरती से लड़ांगे, धरती छड़ के कितने नहीं जाते। सो इस करके जिहड़े झूठे केस साढ़े ते परचे पए ने, इन्हां सामना असी अदालत च कर लांगे। तो संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद करना है। देखो संगत दीआं अरदासां तों बिना ना ते एडे घेरिआं चों निकल जाणा संभव हुंदा, संगत दीआं अरदासां तों बिना ना ते इन्ना लम्मा समां जिहड़ा रूपोश हो जाणा संभव हुंदा। इह संगत दीआं अरदासां ते गुरु साहिब दी कृपा सदका सारा कुछ वापरिआ। अज उस स्थान के उत्ते असी आप गिरफ्तारी देने का फैसला किया। एक गिरफ्तारी जिहड़ी है ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, ये जिहड़ा झूठ का पलंदा साढ़े खिलाफ सिरजिया गया है, इहनू भन्नदा संसार जिहड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करके इहनू भन्नणगे, ते सेठी संगतां दे जिहड़े असी रूबरू जिहड़ा सन्मुख हो के संगतां च विचरांगे। जिहड़ी अमृत संचार की मुहिम, जिहड़ी खालसा विहीर असी शुरू कीती, सतगुरु ने साडे कोलों आप कराई है, उस खालसा विहीर नूं मुड़ आरंभांगे। पर नौजवानों एक मेरी अपील है कि जिस खंडे पाटे की जिहड़ी पौल छक रहे सी असीं, जिहड़े नशियां तों दूर हो रहे सी, उस तों तंग आ के हुकूमत ने सारा कुछ कीता है। ते हुकूमत तां जित सकदी है जे असीं खंडे पाटे की पौल तों भगौड़े हो जाईए, पर जे अज असीं इस दा जवाब इस तरीके नाल देईए कि वध चढ़ के नौजवान खंडे पाटे की पौल छकण, नशे त्याग के गुरु ते लड़ लगन, ते पंजाब के हकां लई संघर्ष करन, ते फिर हुकूमत सानू नहीं हरा सकदी। सो मेरी नौजवानों ने बेनती है कि साडी गैर हाजरी दे विच इदां नहीं समझणा कि हुण असीं अमृत नहीं छड़णा, अमृत गुरु दा है, साडे वर्गे हजारां आउणगे, हजारां जाणगे। सो इस करके तुसीं अमृत छड़णा है, खंडे पाटे दी पौल छक के अमृतधारी होना, शस्त्रधारी हो के जीवन बतीत करना। सो इन्नियां बेनतियां दा मैं शुकराना सारी संगत दा करदा, सारी संगत ने जिन्ना प्रेम बख्शिया है देशां विदेशां दे विच, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। सतगुरु कृपा करन, तुसीं अरदास बेनती जारी रखनी है, क्योंकि तुहाडी